हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। जी हाँ, वो टॉपिक है हमारा शिपिंग से रिलेटेड। जी हाँ, मेरे पास काफ़ी सारे लोगों की क्वेरीज आई हैं, मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस तरह के लोगों को पूछते हुए सुना है कि हमें शिपिंग करते समय नॉन शिपिंग एरियाज़ की प्रॉब्लम आती है। जी हाँ, वैसे तो जब आप शिपिंग के लिए ऑर्डर प्लेस करते हैं, वाइल प्लेसिंग द ऑर्डर, अगर वहाँ पे नॉन शिपिंग एरिया होगा तो वो आपका ऑर्डर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ये तो हम सब जानते हैं। बट इनकेस कोई कोई एरिया अगर ऐसे हैं कि जहाँ के मेन एरियाज़ में तो शिपिंग अवेलेबल है, बट जब हम उनके कोर एरियाज़ में जाते हैं तो पिन कोड सेम होने के बावजूद भी वहाँ पे शिपिंग अवेलेबल नहीं हो पाती, ऐसे में आप क्या करें? जी हाँ, ऐसे में आपको सिर्फ दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि वैसे तो देखिए, अगर नोन एरियाज़ या नोन प्लेसेस आप देखते हैं तो वहाँ तो आपको कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, वहाँ पे आपकी शिपिंग आपको मिलेगी ही मिलेगी, कोरियर डिलीवरी वहाँ पे होगी ही होगी। बट इन केस जैसे कुछ एरियाज़ हो गए साउथ साइड के या गुजरात राजस्थान साइड के भी इवन कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे पिन कोड में डिलीवरी एड्रेस शो होने के बावजूद भी कुरियर डिलीवरी वहाँ तक नहीं जा पाती, ऐसे एरियाज़ में अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो सिर्फ आप एक हैबिट बनाइए कि आप कस्टमर से ये ज़रूर पूछें कि क्या वहाँ पे डिलीवरी अवेलेबल है, क्या वहाँ पे दूसरे कुरियर सर्विसेज सब आते हैं। बिकॉज मेरे साथ भी जैसे एक बार ऐसा हुआ, वहाँ पे कुरियर डिलीवरी नहीं जा रही थी, मैंने बाई चांस कस्टमर से पूछा क्योंकि मुझे उनके एरिया का नाम थोड़ा अननोन महसूस हुआ। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया नहीं, यहाँ कुरियर डिलीवरी नहीं है। मैंने हेल्प सेक्शन में कॉल किया एंड मुझे पता चला कि उन एरियाज़ में डिलीवरी नहीं हो पाएगी, जबकि पिन कोड एड्रेस ले रहा था, एड्रेस उनका एक्सेप्ट हो चुका था। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ा भी कहीं लगता है कि ये एरिया थोड़ा अननोन सा है, या वैसे भी आप अगर ऑल इंडिया कहीं रिमोट जगह पे अगर आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो प्लीज़ मेक इट अ हैबिट कि आप अपने कस्टमर से ज़रूर पूछें कि उस एरिया में कोरियर सर्विस आता है या नहीं, एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। एक दो जगह ऐसा हुआ है जहाँ पे कस्टमर ने खुद जाके डिलीवरी सेंटर से अपनी डिलीवरी पिक की है। सो प्लीज़ अपने कस्टमर से बात करके इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए। वैसे वी आर ट्राइंग कि बहुत जल्दी ऑल ओवर इंडिया कोरियर सर्विस पूरा रेगुलराइज हो जाएगा, बट टिल देन आप लोग इसको अगर एक प्रैक्टिस बनाएंगे कस्टमर से बात करके, वहाँ पे आप अपना भी डाउट क्लियर कर लेंगे एंड कस्टमर का भी, तो बहुत अच्छा होगा, आपका कोई भी ऑर्डर कैंसिल या रिटर्न नहीं होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।